हेलो बच्चों, अगला हम देखेंगे एक्सपेंशन वाल्व यानी प्रसार वाल्व। ठीक है बच्चों, चलिए। तो प्रसार वाल्व क्या है या एक्सपेंशन वाल्व किसे कहते हैं? तो इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे थ्रोटल वाल्व भी कहते हैं, मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोटल वाल्व, मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका काम क्या है कि हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड को डिवाइड करता है, मतलब ये निम्न दाब और उच्च दाब साइड को विभाजित करता है। कहाँ लगा होता है? तो यह रिसीवर और वाष्पित्र के मध्य लगा होता है, फिक्स्ड बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर कह सकता हूँ मैं, कंडेंसर इवेपोरेटर के बीच में लगा होता है एक्सपेंशन वाल्व। कहीं कहीं रिसीवर है, जनरली इवेपोरेटर को रिसीवर भी कह देते हैं, या रिसीवर इसके बाद लगा होता है ताकि लिक्विड फेन जा न पाए कंप्रेशर में इसलिए। तो ठीक है, बेसिकली कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगा होता है। चलिए बच्चों, तो एक्सपेंशन वाल्व का है ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोटल वाल्व, तो इसको थ्रोटल वाल्व भी कहते हैं। उच्च दाब और निम्न दाब को विभाजित करता है। उच्च दाब निम्न दाब को कैसे विभाजित करता है? तो बच्चों, अगर आप लाइन डायग्राम देखें तो ये कंडेंसर हाई प्रेशर साइड में होता है, इवेपोरेटर लो प्रेशर साइड में होता है। ये आपका कंप्रेशर होता है, कंप्रेशर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन के बाद इवेपोरेटर, फिर कंप्रेशर। तो कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में, यानी ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर है, बीच में होता है एक्सपेंशन वाल्व। तो संघनित्र और वाष्पित्र के बीच में फिक्स होता है, लगा होता है। तो बच्चों, फंक्शन क्या है एक्सपेंशन वाल्व का? तो बच्चों, फंक्शन अगर एक्सपेंशन वाल्व का देखें तो फंक्शन इसके कई हैं बेसिकली। तो कई में जैसे ये हुआ कि देखिए, तो पहला क्या कि कन्वर्ट हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इनटू लो प्रेशर बिफोर सेंडिंग टू द इवेपोरेटर। तो मतलब द्रव वाष्पित्र में भेजे जाने से पहले या भेजने से पहले लिक्विड रेफ्रिजरेंट यानी द्रव प्रशीतक को, द्रव प्रशीतक के हाई प्रेशर को, उच्च दाब को निम्न दाब में परिवर्तित कर देता है, मेंटेन डिजायर्ड प्रेशर बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो उच्च दाब और निम्न दाब साइड के मध्य वांछित दाबांतर बनाए रखता है, मतलब जितना प्रेशर हमें चाहिए उतना प्रेशर पे ये डिलीवर करता है, उतना प्रेशर मेंटेन रखता है। तो एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व का एक काम और है, कंट्रोल फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। जैसा कि हमने अभी जब इवेपोरेटर पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे कि कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को, तो इसमें हम वही पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है। तो मेन पर्पज यही है, मेन इसका, कंट्रोल फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट बेस्ड ऑन हीट लोड ऑन इवेपोरेटर, मतलब उष्मा भार के अनुसार वाष्पित्र पर प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो टाइप्स कौन कौन से हैं बच्चों? तो टाइप कई हैं, कैपिलरी ट्यूब है और हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, मतलब हस्तचलित प्रसार वाल्व है, ऑटोमेटिक या कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व है जिसको ऑटोमेटिक या नियत दाब प्रसार वाल्व कहते हैं, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व है, लो साइड फ्लोट वाल्व है, मतलब निम्न साइड फ्लोट वाल्व है, और हाई साइड फ्लोट वाल्व भी है, हाई साइड फ्लोट वाल्व। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कैपिलरी ट्यूब देख लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब के बाद हम डिस्कस कर लेंगे आपका जो भी है बाकी थर्मोस्टैटिक है जो भी। तो कैपिलरी ट्यूब देख लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब क्या है? तो कैपिलरी ट्यूब एक प्रसार उपकरण के रूप में प्रयोग कम क्षमता वाले हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट के लिए या रेफ्रिजरेंट यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज फॉर लो कैपेसिटी हर्मेटिकली सील्ड रेफ्रिजरेशन यूनिट, जैसे हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर हो गया, वाटर कूलर हो गया, रूम एसी हो गया, फ्रीजर हो गया, इस तरह में कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे करते हैं कैपिलरी ट्यूब में इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन होता है, मतलब द्रव प्रशीतक प्रवेश करता है। कहाँ से? तो बच्चों, कंडेंसर के बाद से, कंडेंसर के बाद ही लगा होता है। कंडेंसर के बाद से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है वो प्रवेश करता है इस ट्यूब, तो इस ट्यूब में स्ट्रेनर लगा होता है। स्ट्रेनर का काम ये है बच्चों कि जो भी इम्प्योरिटीज रहती हैं उसको फिल्टर कर देता है, मतलब जो, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेनर का काम क्या है, तो स्ट्रेनर का काम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेनर जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं
रेफ्रिजरेंट में, वो फिल्टर कर देता है, केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही भेजता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस कॉपर की ट्यूब होती है जो हमारी ट्यूब से पास होगा, तो ट्यूब से पास होगा और ये हमारा कैपिलरी है। जैसे ही ट्यूब से पास होगा यहाँ से इवेपोरेटर कॉइल में एंटर हो जाएगा। तो जब इवेपोरेटर कॉइल में एंटर होगा तो जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में, बताया इवेपोरेटर का काम अभी पीछे, तो जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हीट अब्जॉर्ब करेगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होते होते फिर कहाँ चला जाएगा, वेपर इवेपोरेटर है ये, इवेपोरेटर है ये, एक कैपिलरी ट्यूब नहीं है, कैपिलरी ट्यूब हमारा ये इवेपोरेटर में जाके क्या हो जाएगा, एग्जिट होगा तो फिर कंप्रेसर के लिए वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में चला जाएगा। फिलहाल इवेपोरेटर के इनलेट पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही फ्लो होता है। तो जब ये इस ट्यूब से, टीनी ट्यूब्स होते हैं बच्चों, बहुत पतले पतले डाया के ट्यूब्स होते हैं, जब इस टीनी ट्यूब से होकर के कॉपर की ट्यूब होती है पास होगा तो एरिया घट जाता है बच्चों। इसका दाब घटता कैसे है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब रेफ्रिजरेंट मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट स्ट्रेनर के बाद जो भी अनवांटेड मटेरियल होंगे फिल्टर हो जाएंगे, प्योर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन होगा, तो जब इन होगा तो ये टीनी ट्यूब्स होते हैं, तो पतले पतले डायामीटर के ट्यूब होते हैं कॉपर की। जब ये ट्यूब से पास होगा तो इसका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, जो घर्षण प्रतिरोध है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर्षण प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा बच्चों, घर्षण प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, तो घर्षण प्रतिरोध निर्भर करेगा घर्षण प्रतिरोध दाब के व्युत्क्रमानुपाती, व्यास के व्युत्क्रमानुपाती और ट्यूब की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर आप कॉपर का व्यास घटाएं तो घर्षण प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और घर्षण प्रतिरोध का मान जितना बढ़ेगा उतना ही दाब में अंतर होगा, मतलब दाब उतना ही कम होता जाएगा। तो इसीलिए कॉपर के ट्यूब की जो लेंथ है वो लंबी रखते हैं ताकि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए। डाया कम रखते हैं ताकि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बढ़ जाए और प्रेशर घट जाए। तो जब फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा या फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, पतले डाया से पास होकर के इसका जो प्रेशर है घटता है, मतलब कैपिलरी ट्यूब के एग्जिट पर इसका प्रेशर, जैसा कि हमने पहले बताया था, अगर 8 बार पे भी इन करे तो 0.5 बार, 0.6 बार या 0.7 बार के आसपास मिलता है कैपिलरी ट्यूब के एग्जिट पर। तो कैपिलरी ट्यूब का यही काम है बच्चों, क्या कि प्रेशर को घटा देना, और जैसे ही प्रेशर को घटाएगा रेफ्रिजरेंट, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन कर रहा था उसका टेम्परेचर और घट जाएगा और कोल्ड रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब के एग्जिट पर निकलेगा। ये कोल्ड रेफ्रिजरेंट फिर इवेपोरेटर कॉइल में पास होगा, वहाँ से हीट अब्जॉर्ब करेगा, फिर वेपर में कन्वर्ट होकर कंप्रेसर को चला जाएगा। तो ठीक है, इसका काम अब देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, इसके काम समझा ही चुका हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। जैसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी सम टाइम टू एडजस्ट, ओके। यूज्ड इन हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट ऑफ लो कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया निम्न क्षमता वाले हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यानी संपीडक के में काम आता है ये, जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, रूम एसी, फ्रीजर है बच्चों ने, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस घर्षण प्रतिरोध दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ट्यूब की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर हमें फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बढ़ाना है या फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस का मान अगर ज़्यादा होगा तो दाब का मान घट जाएगा, और यही तो हमें चाहिए, दाब घटाना है, क्योंकि प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए हमें व्यास भी कम करना होगा, व्यास कम करने के लिए लंबाई, व्यास आप कम कर लीजिए पहली चीज़। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस अगर मुझे बढ़ाना है, एक मिनट, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस अगर मान लीजिए मुझे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, क्योंकि मुझे दाब को कम चाहिए, तो दाब, इन दोनों में कंपेरिजन देखिए, पहले दाब कम चाहिए तो घर्षण प्रतिरोध का मान बढ़ाना, ठीक है, दाब कम चाहिए तो तापमान कम होगा कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो इस घर्षण प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए व्यास के भी व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब व्यास को क्या करना होगा, घटाना होगा, तो कैपिलरी ट्यूब का व्यास भी, ये जो ट्यूब्स लगी हैं इसका व्यास भी घटाना होगा। अब व्यास घटाएंगे एक चीज़ कर सकते हैं, दूसरा क्या कि घर्षण प्रतिरोध ट्यूब की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है। तो घर्षण प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जो ट्यूब की लंबाई है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप घर्षण प्रतिरोध का मान बढ़ा सकते हैं कब, या तो ब्याज घटा दीजिए या ट्यूब की, ये जो ट्यूब है उसकी लेंथ बढ़ा दीजिए, लंबी ट्यूब का इस्तेमाल करिए।
तो घर्षण प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, दाब का मान घट जाएगा। और हमें यही चाहिए था, यही कैपिलरी ट्यूब का फंक्शन है बच्चों। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला है दूसरा, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है? तो ज़्यादातर ये कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट में, मतलब वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रशीतन इकाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट सुपर हीट वाल्व भी कहते हैं, मतलब नियत अतितप्त वाल्व भी कहते हैं। तो यूज एज कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट, ऑल्ड एज कॉन्स्टेंट सुपर हीट वाल्व। ठीक है, तो इसका पहले वर्किंग समझ लेते हैं बच्चों। तो पहले मेन पार्ट्स देख लेते हैं, फिर वर्किंग करते हैं। देखिए, तो ये स्ट्रेनर है, ये वाला स्ट्रेनर का काम ये है बच्चों, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन होगा, द्रव प्रशीतक इसमें प्रवेश करेगा, उसमें जो इम्प्योरिटी रहेगी उसको फिल्टर करके केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये पुश रॉड है, ये आपका वॉल्व है, ये वॉल्व सीट है, वॉल्व है, स्प्रिंग है और एडजस्टिंग स्क्रू है। ये इसके मेन एलिमेंट है आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये एक ही में अटैच होता है। होता क्या है, जब प्रेशर ऊपर बढ़ेगा तो ये पीवी अभी बताऊंगा क्या है, मतलब बता देता हूँ अभी। फिलर बल्ब टेम्परेचर है इसका, ये फिलर बल्ब है, फिलर बल्ब का टेम्परेचर है। तो ये जब प्रेशर, फिलर बल्ब का प्रेशर देगा तो डायफ्राम, ये डायफ्राम है ये वाला, ये जो है डायफ्राम, डायफ्राम नीचे होगा, नीचे होगा तो पुश रॉड नीचे होगा, पुश रॉड नीचे होगा, ये वॉल्व सीट से वॉल्व नीचे जाएगा और जो फ्लो का रास्ता है, वे ऑफ फ्लो, और ओपन हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी होगी, फ्लो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, एडजस्टिंग स्क्रू इसलिए देते हैं ताकि जितना फ्लो कराना हमें मैन्युअली उतना हम सेट कर सकें। ठीक, इंटरनल इक्वलाइजर है, इंटरनल इक्वलाइजर का जो प्रेशर है वो इवेपोरेटर प्रेशर के, इनलेट प्रेशर के समान होता है। ये कैपिलरी ट्यूब है, ये आपका पिलर बल्ब है। अब यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट होके जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये हमारा इवेपोरेटर है, ये देख सकते हैं बच्चों, ये इवेपोरेटर है ये वाला। ये इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन होगा, जैसे ही इन होगा यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट होगी, फिर ये क्या करेगी, एग्जिट पे जाते जाते सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इसको सुपर हीट, कॉन्स्टेंट सुपर हीट वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि सुपर एंट्री पे तो लिक्विड है और ये एग्जिट पर सुपर हीटेड हो जाती है। अब यहाँ से फीलर बल्ब इसका टेम्परेचर सेंस कर लेता है, फीलर बल्ब के अंदर भी लिक्विड भरा होता है। ये फीलर बल्ब इसके टेम्परेचर से एक्ट करता है, अपना प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करता है, मतलब अगर सुपर हीट बढ़ेगा या घटेगा, मतलब इसका जो एग्जिट पे जो कंडीशन है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो ये फीलर बल्ब उतना ही प्रेशर इस डायफ्राम पे ऊपर की तरफ से लगाएगा या घटाएगा। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल इक्वलाइजर आपका वेपोरेटर के एग्जिट प्रेशर के इक्वल होता है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, पार्ट्स आपने देख लिए सारे। देखिए, सबसे पहले यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होता है, द्रव प्रशीतक प्रवेश करता है, स्ट्रेनर क्या करेगा, जो भी इम्प्योरिटी होती है उसको फिल्टर कर देता है, केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एंटर करता है। एडजस्टिंग स्क्रू से आप जितना रेफ्रिजरेंट फ्लो कराना है वो लोड पे डिपेंड करता है, आप कितना सेट करना चाहते हैं, कितना कूलिंग करना चाहते हैं, जितना आप सेट कर देंगे उतना ही ये पैसेज, मतलब उतना ही वॉल्व सीट से नीचे आएगा और उतना ही रास्ता खुला होगा, उतना ही वे ओपन होगा। ये स्प्रिंग की मदद से एडजस्टिंग स्क्रू टाइट, मतलब क्लोज या ओपन कर सकते हैं जितना पे सेट करना। जैसे ही रेफ्रिजरेंट इन होगा, इस वे से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस इवेपोरेटर कॉइल से पास होगा, ये इवेपोरेटर कॉइल से पास होगा, तो यहाँ से इवेपोरेटर कॉइल के चारों तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर से सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट होकर के यहाँ से आपका इवेपोरेटर कॉइल के बाद वो आपका कंप्रेसर में चला जाएगा। इसके एग्जिट पर, इवेपोरेटर कॉइल के एग्जिट पर एक लगा होता है फीलर बल्ब। फीलर बल्ब क्या करता है, इसके एग्जिट पर जो रेफ्रिजरेंट का फेज है, अवस्था है, वो कैसी है, मतलब सुपर हीटेड वेपर है, उस अवस्था को डिटेक्ट करके उसके टेम्परेचर से, इसके अंदर फीलर बल्ब के अंदर लिक्विड भरा होता है, ये उतना ही प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ता है, इसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है इसका प्रेशर बढ़ता है, इसका टेम्परेचर कम होता है प्रेशर कम होता है। तो अगर मान लेते हैं सुपर हीटेड वेपर में निकलता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है फीलर बल्ब का, फीलर बल्ब उतना ही प्रेशर
उतना ही प्रेशर इस डायफ्राम पे, पीबी फीलर बल्ब का प्रेशर उतना ही प्रेशर इस डायफ्राम पे ऊपर की तरफ से लगाता है, तो ये डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा तो पुश रॉड को नीचे करता है, पुश रॉड नीचे जाएगा तो ये वॉल्व सीट से वॉल्व को नीचे और कर देगा, स्प्रिंग से जुड़ा होता है, नीचे चल और नीचे आ जाएगा तो और रेफ्रिजरेंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब फीलर बल्ब कब ज़्यादा टेम्परेचर सेंस करेगा, जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होकर सुपर हीटर में बदल लिया, मतलब अगर ज़्यादा हीट, ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर रहा है, ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा तो ज़्यादा सुपर हीटेड वेपर मिलेगा हमें, या वेपर से सुपर हीटेड वेपर मिलेगा। तो लोड अगर बढ़ेगा तो फीलर बल्ब उसको सेंस करके उतना ही प्रेशर डायफ्राम पे लगाएगा और उतना ही इस वे को, इस रास्ते को खोलेगा, जितना ही वे ओपन होगा उतना ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस स्ट्रेनर की मदद से इन होगा। तो लोड कांस्टेंट रहेगा, मतलब मेंटेन रखेगा, जितना लोड बढ़ेगा तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई को बढ़ा देगा। यही आपका थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है बच्चों। तो पीवी क्या है, फीलर बल्ब टेम्परेचर, पीएस क्या है, स्प्रिंग का प्रेशर, और पीवी पी क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर। पीएस और पी पीवी के इक्वल होते हैं, ये जितने पे सेट रखना है हमें, इस हमारा पुश रॉड या इस वॉल्व या वॉल्व सीट से कितना ओपन और क्लोज करना है, ये डायफ्राम पे डिपेंड करता है, कितना ये डायफ्राम अप या डाउन जाएगा। जब लोड कम होगा, जब लोड का मान कम होगा तो देखिए, जब लोड का मान कम होगा तो ये प्रेशर कम अप्लाई करेगा, ये प्रेशर कम अप्लाई करेगा तो डायफ्राम ऊपर मूव होगा। अब जब ये डायफ्राम ऊपर मूव होगा, पुश रॉड ऊपर मूव होगा, पुश रॉड ऊपर मूव होगा तो पुश रॉड से वाल्व लगा, वाल्व वाल्व सीट के क्लोज आएगा, पास आएगा, तो ये जो रास्ता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो कराने का इवेपोरेटर में वो कम होगा, तो कम रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा इवेपोरेटर में। जैसे ही लोड बढ़ेगा सुपर हीट मिलेगा, फिर से ये प्रेशर बढ़ाएगा, डायफ्राम नीचे आएगा, वाल्व ओपन और, मतलब ये वाल्व वाल्व सीट से कितना ओपन और क्लोज होती है ये डिपेंड करता है कि वेपर एवेपोरेटर के एग्जिट पर वेपर की कंडीशन क्या है। तो यही है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है बच्चों, तो जो मेन कंपोनेंट्स है वो देख लेते हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है बच्चों। तो मेन कंपोनेंट नीडल वाल्व है, जिसको हम वाल्व भी कह रहे हैं, ये वाला पार्ट वाल्व सीट है, ये वाल्व है, ये जितना नीचे आएगा उतना ओपन पैसेज मिलेगा जाने के लिए, और ये जितना क्लोज आएगा उतना ही कम रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा। डायफ्राम, ये डायफ्राम प्रेशर से अप एंड डाउन होगा। अगर मान लीजिए डाउन होता है, मतलब ये सुपर हीट वेपर है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट और फ्लो होगा, अप होगा तो मतलब वेपर है, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम फ्लो होगा। एडजस्टिंग स्क्रू हम मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं कि कितना हमें भेजना है रेफ्रिजरेंट, कितना लोड है और कितना हमें सेट करना। फीलर बल्ब है और या थर्मल बल्ब कहते हैं इसको। तो वर्किंग जैसा कि मैंने समझाया, देख लेते हैं एक बार फिर से, चलिए वर्किंग देख लेते हैं बच्चों। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सेट। व्हेन लोड इंक्रीज, मतलब जब लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने का मतलब इवेपोरेटर के चारों तरफ सराउंडिंग्स में, परिस्थान में ज़्यादा वस्तुएं रखी हैं, ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करना है तो लोड बढ़ाना उसको कहते हैं। जब लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब कूलिंग बढ़ाना हो, जैसे हम कहते हैं ना कूलिंग ज़्यादा कर देते हैं, कूलिंग बढ़ाना हो तो कूलिंग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेफ्रिजरेट इवेपोरेट फास्टर, जो प्रशीतक है द्रव प्रशीतक बहुत तेजी से वाष्प में बदलेगा, इवेपोरेट होगा, बहुत तेजी से इवेपोरेट होगा तो इसके एग्जिट पर सुपर हीट वेपर मिलेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, तो डिग्री ऑफ सुपर हीट भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। अब डिग्री ऑफ सुपर हीट बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, इट अलाउ मोर फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन इवेपोरेटर। तो ये कैसे, जैसे ही बढ़ेगा तो ये फीलर बल्ब टेम्परेचर सेंस कर लेगा, फीलर बल्ब का प्रेशर डायफ्राम पे और ऊपर की तरफ से बढ़ेगा, ये डायफ्राम नीचे मूव होगा, डायफ्राम नीचे मूव होगा तो पिस्टन रॉड मूव होगा, पिस्टन रॉड मूव होगा तो वाल्व वाल्व सीट से नीचे आएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्लो बढ़ जाएगा। वही है, तो मतलब क्या, फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन इवेपोरेटर मोर। तो क्या होगा जब ये बढ़ेगा, तो मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, या कूलिंग इफेक्ट क्या हो गया, या डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसी को हम कहते हैं कूलिंग बढ़ाना। अच्छा बच्चों, तो इट इज़ अपोजिट ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रहा है बच्चों, मतलब लोड बढ़ा तो ये अपने आप थर्मल फीलर बल्ब या थर्मल बल्ब सेंस करके प्रेशर बढ़ा रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्लो बढ़ा दे रहा है, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का उल्टा है, मतलब जिसे, सॉरी मैं ऑटोमेटिक नहीं कहना चाहिए था मुझे, इट इज़ अपोजिट ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं हो रहा, मतलब जैसे कि अगर हम जितना मैनुअली सेट कर दे रहे हैं कितने पे करना है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक का उल्टा है।
कैपेबल फॉर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट्स। क्यों ऑटोमेटिक का उल्टा है कि अगर जैसे क्या होता है, लोड की रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है, मैनुअली हम सेट कर देते हैं कितना हमें चिलिंग चाहिए, उसके हिसाब से ये मूव करता है। ऑटोमेटिक होता तो हमें चिलिंग सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोड बढ़ाने पे बढ़ जाता। तो ये फ़ायदा कहाँ होता है, मान लीजिए मुझे 50 लीटर कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना है, तो मुझे पता है 50 लीटर कोल्ड ड्रिंक के लिए कितनी कूलिंग कैपेसिटी चाहिए, तो मैंने उतना सेट कर दिया है कूलिंग, उतना डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया। अब मान लीजिए अचानक से आप 20 लीटर और कोल्ड ड्रिंक उसमें ऐड कर दिए, 70 लीटर हो गया, मतलब लोड बढ़ा दिए, तो लोड बढ़ा दिए, या फिर कि मान लीजिए 50 लीटर हमने रख दिया, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, एक समय के बाद मान लीजिए लाइट कट गई कुछ समय बाद, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, लोड अचानक से ज़्यादा हीट लाइट आई तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका था, फिर से उसको कोल्ड करना, तो लोड बढ़ा क्योंकि जब आपने रखा था तब वो मेंटेन कर चुका था, फिर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर से फिर से लो करना है, मतलब चिल्ड करना है, तो फिर से लोड बढ़ा, लोड बढ़ा तो क्या करेगा, वो एडजस्ट कर लेगा इसी हिसाब से। तो अगर लोड का वेरिएशन है तो उसकी ज़रूरतों को ये पूरा करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, मतलब लोड का वेरिएशन होगा तो डायफ्राम अप एंड डाउन मूव होगा फीलर बल्ब के प्रेशर से, तो अप एंड डाउन मूव होगा और उतना ही लिक्विड डिफ्यूजन जाएगा, उतना ही ये लोड की कैपेसिटी को मेंटेन रखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है। आगे लो साइड फ्लोट वाल्व और हाई साइड फ्लोट वाल्व है, उसको देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, लो साइड फ्लोट वाल्व। तो लो साइड फ्लोट वाल्व क्या है, तो जनरली ये कहाँ फिक्स होता है कि ये प्रशीतन निकाय में, प्रशीतन तंत्र निम्न दाब वाली साइड में फिक्स होता है। जनरली इट इज़ फिक्स्ड इन लोअर साइड ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अर्थात क्या, किसके बीच में होता है, यानी संपीडक लाइन, कंप्रेसर सक्शन लाइन और इवेपोरेटर के बीच में फिक्स होता है। इसका मेन काम ये है बच्चों कि इट मेंटेन कॉन्स्टेंट फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन इवेपोरेटर एंड फ्लोट चैनल। मतलब इसका एक प्रमुख काम यह है कि ये क्या करता है, जब वाष्पित्र में द्रव प्रशीतक वाष्पित होता है तो इसका स्तर कम हो जाता है। व्हेन लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट्स इन इवेपोरेटर्स इट्स लेवल डिक्रीजेस। इससे फ्लोट जो है वो नीचे आ जाएगा फ्लोट चैम्बर में। तो अभी वर्किंग समझा दे रहा हूँ, फिलहाल आप चलिए समझा देते हैं। तो मान लीजिए पहले पार्ट्स देख लेते हैं, ये सक्शन लाइन है हमारा, इवेपोरेटर का नहीं दिखाया गया इसमें, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में इवेपोरेटर है। बस इस लो साइड फ्लोट वाल्व का काम ये है कि ये फ्लोट चैम्बर, ये जो फ्लोट चैम्बर दिख रहा है जिसमें ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, इसके लेवल को मेंटेन रखना ताकि इवेपोरेटर्स में जो लिक्विड जाए वो कॉन्स्टेंटली जाए। इवेपोरेटर के बाद ये वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को जा रहा है, तो ये मत समझिएगा लिक्विड या वेपर निकला, नहीं, इसका काम ये नहीं है। इसका काम ये है कि ये फ्लोट जो चैम्बर दिख रहा है, इस चैम्बर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल मेंटेन रखे ताकि ये लिक्विड इवेपोरेटर में जब जाए तो कॉन्स्टेंटली जाए, मतलब इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कमी ना हो लेवल की। चलिए तो सबसे पहले स्ट्रेनर देखते हैं। स्ट्रेनर क्या काम करता है, वही अनवांटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये फ्लोट चैम्बर है, ये फ्लोट वॉल्व है, ये सक्शन लाइन है कंप्रेसर की, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन करेगा यहाँ से स्ट्रेनर से। स्ट्रेनर क्या करेगा, स्ट्रेनर जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसको फिल्टर करके अलग कर देगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अंदर जाने देगा। ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, ये वाला अरेंजमेंट, इसको नीडल वॉल्व और सीट अरेंजमेंट बोलते हैं, ये नीडल वॉल्व और सीट का अरेंजमेंट है, और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस फ्लोट चैम्बर में भरा हुआ है और ये फ्लोट वॉल्व। मानिए कि अगर लोड बढ़ता है तो इवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट ज़्यादा भेजना पड़ेगा, तो मतलब फ्लोट चैम्बर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट चला जाएगा तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल नीचे आ जाएगा फ्लोट चैम्बर। जब नीचे आएगा तो फ्लोट वॉल्व तैर रहा है उसी पे तो नीचे आएगा, जब फ्लोट वॉल्व नीचे आएगा तो इमेजिन कर पा रहे हैं आप, ये जब नीचे आएगा तो ये मैकेनिज्म कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मतलब नीडल वॉल्व और सीट जब टिल्ट होगी तो इसको पुश करेगी पीछे की तरफ और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्लो है उसको आने देगी, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्लो आएगा फिर से इसके लेवल को, मान लीजिए यहाँ तक आया, फिर से इसके लेवल को ऊपर तक चला जाएगा और जब ऊपर जाएगा इक्विलिब्रियम में फिर फ्लोट ऊपर जाएगा, जब फ्लोट ऊपर जाएगा तो फिर से ये जो अरेंजमेंट अभी ऐसे था नीडल वॉल्व और सीट फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, इस वॉल्व सीट को बंद कर देगा वॉल्व से, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आना बंद हो जाएगा। मतलब फ्लोट चैम्बर में अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट का नीचे आता है लेवल, कब आएगा, जब लोड बढ़ेगा,
क्योंकि ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी इवेपोरेटर में। तो जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फ्लोट चैम्बर नीचे आएगा, फ्लोट चैम्बर नीचे आएगा तो निडिल वाल्व और सीट की मदद से ये इसको पुश कर देगा निडिल वाल्व को, और वाल्व सीट से अलग हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्लो आने लगेगा चैम्बर में। फिर से जैसे ही चैम्बर एक निश्चित फिक्स लेवल तक भर जाएगा, फ्लोट ऊपर जाएगा, और फ्लोट ऊपर जाएगा तो इस निडिल वाल्व और सीट पीछे आ जाएगा, पीछे आएगा तो फिर से ये इस वाल्व को बंद कर देगा और लिक्विड रेफ्रिजरेंट आना बंद हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द लो साइड फ्लोट वाल्व इज टू मेंटेन द लेवल ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द फ्लोट चैम्बर ओनली। इवेपोरेटर बीच में कहीं लगा होगा, इवेपोरेटर हीट को ऑब्जर्व करेगा, फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होकर के कंप्रेसर को चला जाएगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये कहाँ फिक्स होता है, ये आपका फिक्स होता है सक्शन प्रेशर लाइन कंप्रेसर का और इवेपोरेटर के बीच में। तो इट मेंटेन्स कॉन्स्टेंट फ्लो रेट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन इवेपोरेटर एंड फ्लोट चैम्बर, बेसिकली फ्लोट चैम्बर। तो फ्लोट चैम्बर से इवेपोरेटर में जाता है। चलिए, इसका अगर हम लाइन डायग्राम देखें तो ये देखिए, ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर कंप्रेस करेगा वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडेंसर हीट को रिजेक्ट कर देगा, कंडेंसर के बाद प्रेशर रिड्यूस वाल्व में जाएगा यानी एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व इसके प्रेशर को घटा करके लिक्विड में बदल देगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाएगा, इवेपोरेटर से निकलने के बाद ही कहाँ जाएगा आपका लो साइड फ्लोट वाल्व में जाएगा, क्योंकि इवेपोरेटर लो प्रेशर साइड में लगा होता है। अब लो साइड ये क्या करेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिक्विड फ्लोट चैम्बर में लिक्विड का जो लेवल है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल है वो मेंटेन रखता है, ताकि इवेपोरेटर में लिक्विड का लेवल कम ना हो बच्चों, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, मतलब ये पूरा सिस्टम दिखाया गया है कैसे है। और चलिए बच्चों, अगला है हाई साइड फ्लोट वाल्व। हाई साइड फ्लोट वाल्व क्या है, तो जनरली हाई साइड फ्लोट वाल्व उच्च दाब वाली साइड में लगाया जाता है, अर्थात कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगाया जाता है। तो इसका काम क्या है, यह वाष्पित्र में जाने वाले द्रव की मात्रा को भार के अनुसार नियंत्रित करता है, मतलब इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन इवेपोरेटर बेस्ड ऑन द लोड, तथा फ्लोट कक्ष और वाष्पित्र में एक नियत द्रव स्तर बनाए रखता है, एंड मेंटेन्स द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लेवल इन द फ्लोट चैम्बर एंड इवेपोरेटर। वही काम है बच्चों, ठीक है। ये हाई प्रेशर साइड में लगा होता है, तो हाई प्रेशर साइड में काम कैसे करता है, चलिए इसका वर्किंग देख लेते हैं। ये हमारा फ्लोट चैम्बर है, ये हमारा द्रव प्रसीतक कंडेंसर से अंदर आएगा संघनित्र से द्रव में बदलने के बाद, ये हमारा फ्लोट वाल्व है, और ये फ्लोट चैम्बर में ये जो मैं दिखाया हूँ एक मिनट बच्चों, ये लेवल है रेफ्रिजरेंट का, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल है। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल मेंटेन रहेगा फ्लोट चैम्बर, उसमें रहेगा फ्लोट वाल्व, फ्लोट चैम्बर में रहेगा। ये हमारा फ्लोट आर्म है, ठीक है, ये मैकेनिज्म फ्लोट आर्म है। अब ये लिक्विड डायरेक्शन उल्टा बनाया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू वेपोरेटर, यहाँ से जो द्रव प्रसीतक है वो वाष्पित्र में चला जाएगा। ये हमारा लिक्विड का लेवल है, इतना लिक्विड है इसमें फ्लोट चैम्बर में, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। तो होगा क्या, जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट द्रव प्रसीतक कंडेंसर से आएगा यहाँ तक, मान लीजिए मेंटेन फ्लोट चैम्बर तैर रहा है, इसमें फ्लोट चैम्बर है या फ्लोट वाल्व है, फ्लोट वाल्व फ्लोट चैम्बर में तैर रहा है, तो ये आर्म से जुड़ा होता है। एक निश्चित फिक्स लेवल के बाद ये वॉल्व को क्लोज रखता है, जैसे ही मान लीजिए लोड बढ़ेगा तो इवेपोरेटर में लिक्विड की सप्लाई घट जाएगी, लिक्विड रेफ्रिजरेंट की, जैसे ही घटेगी तो मेंटेन कौन करेगा, तो यही फ्लोट चैम्बर करेगा, फ्लोट चैम्बर से लिक्विड निकल करके या इसके थ्रू इवेपोरेटर में चला जाता है। तो जैसे ही लिक्विड लेवल घटेगा तो फिर फ्लोट चैम्बर में आएगा कहाँ से, तो जैसे ही लिक्विड लेवल घटेगा ये फ्लोट वॉल्व नीचे आएगा, फ्लोट वॉल्व जुड़ा हुआ है इस फ्लोट आर्म से, फ्लोट आर्म टिल्ट होगा और ये वॉल्व सीट को पुश करेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकल करके आपका चला जाएगा। जस्ट उल्टा होता है इसका, मतलब इधर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में भेजते तो हैं और लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता रहता है यहाँ से, जस्ट उल्टा है, मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से भरता गया। तो एक निश्चित लेवल है इसमें, फिक्स लेवल है, तो जैसे ही कमी होगी ये वॉल्व नीचे आएगा, वॉल्व नीचे आएगा फ्लोट वॉल्व से, तो फिर क्या होगा इसमें ये भर जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आएगा फ्लोट चैम्बर में भरता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इन दैट केस फ्लोट चैम्बर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट की वैल्यू कम होती है, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा
तो ये वॉल्व सीट को पुश करेगा, यहाँ से पैसेज ओपन हो जाएगा, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेटर में चला जाएगा। इवेपोरेटर लगा होगा, इवेपोरेटर क्या करेगा, हीट कैप्चर करेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करके फिर से कंप्रेसर में भेज देगा। बस इसका इतना ही काम है। तो फिक्स कहाँ होता है, फिक्स आपका होता है फिक्स्ड ऑन हाई प्रेशर साइड बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर, संघनित्र और वाष्पित्र के मध्य उच्च दाब की तरफ फिक्स होता है। कंट्रोल फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट बेस्ड ऑन वेट इन इवेपोरेटर एंड फ्लोट रूम। तो द्रव प्रशीतक के लेवल को फ्लोट रूम यानी फ्लोट कक्ष में मेंटेन रखता है भार के अनुसार। मतलब इवेपोरेटर कॉइल्स में भार बढ़ेगा तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट भार मतलब इवेपोरेटर में फ्लो होना और ज़्यादा करने लगेगा, मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्लो इवेपोरेटर में और ज़्यादा करने लगेगा, और कंडेंसर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो इस चैम्बर में इकट्ठा होता रहेगा। एक कांस्टेंट आएगा कंडेंसर से, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कांस्टेंट रेट से आ रहा है, वो फ्लोट चैम्बर में इकट्ठा हो रहा है। जब फ्लोट चैम्बर में इकट्ठा हो रहा है तो कितना भेजना है इवेपोरेटर को ये डिपेंड करेगा फ्लोट वॉल्व कितना अप एंड डाउन होता है। मान लीजिए लोड बढ़ता है तो फ्लोट चैम्बर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्लो घट मतलब कंडेंसर से कम आने लगेगा, लोड बढ़ेगा तो डिमांड इसकी लेवल कम होने लगेगा, लेवल कम होगा तो फिर से ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो वॉल्व को ओपन कर देगा और यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर को इसमें और ज़्यादा जाने लगेगा। ये हमारा मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया गया, तब एक सिस्टम को दिखाया गया। चलिए तो ये देख लीजिए कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर जैसा होता है और ये हाई प्रेशर साइड है, हाई प्रेशर साइड में ही हमारा फिक्स है क्या, ये हमारा हाई साइड फ्लोट वॉल्व। बस एक ही काम करता है कि फ्लोट चैम्बर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लेवल को मेंटेन रखता है। अगर लोड बढ़ता है तो फ्लोट चैम्बर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल कम हो जाएगा, फ्लोट नीचे आएगा, फ्लोट नीचे आएगा तो इवेपोरेटर में लिक्विड की सप्लाई और बढ़ जाएगी। मतलब जो इवेपोरेटर है उसमें लिक्विड की कमी, लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कमी नहीं होनी चाहिए लोड बढ़ने पर। अभी एक्सपेंशन के थ्रू इवेपोरेटर में जाकर के फिर से साइकिल चलती रहती है। तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है विद हाई साइड फ्लोट वॉल्व के साथ आपको दिखाया गया। कहाँ फिक्स होता है, कंडेंसर एंड इवेपोरेटर साइड में फिक्स होता है। हाँ, हाई प्रेशर साइड कहाँ, कंडेंसर और इवेपोरेटर में। देख लीजिए आपका कंडेंसर है, इवेपोरेटर ये फिक्स है, हाई साइड फ्लोट वॉल्व। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का जो वीडियोज है इवेपोरेटर नहीं एक्सपेंशन वॉल्व प्रसार वॉल्व उस पर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके सिलेबस में इतना ही था तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आपने देखा दो तरह का, चार तरह का बेसिकली देखा, हाई साइड फ्लोट वॉल्व, लो साइड फ्लोट वॉल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व और कैपिलरी ट्यूब। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने दोनों मीडियम में बोला है, दोनों मीडियम में लिखा हूँ, मीडियम तो एक ही लिखा हूँ, बोला दोनों मीडियम में हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए बच्चों ताकि रिविजन में आपके काम आ सके। अगले वीडियोस में एक लास्ट वीडियो इस चैप्टर का होगा जिसमें सेफ्टी डिवाइसेस मतलब कि जो हमारी सुरक्षा युक्तियाँ हैं या सुरक्षा उपकरण हैं उन पर बताएंगे। सुरक्षा उपकरण में थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट में कई तरह के हैं वो देखेंगे हम, थर्मोस्टेट होगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन होगा, हाई एंड लो प्रेशर कटआउट्स होंगे, वो अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।